जीके से जीएस तक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पे हम लोग जनरल नॉलेज का डे दे फोर देखेंगे जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डे वन से डे थ्री तक के वीडियोस पक्का से देख लीजिएगा ओके okay. फ्रेंड आज के इस वीडियो पे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं और जितने भी लोग आप लोगों के एसएससी सीजीएल हो गया सीपीओ हो गया सीएचएसएल हो गया सीडीएस हो गया एनडीए हो गया आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी कोई भी वन डे एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो जनरल नॉलेज की सीरीज बन रही है ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है ओके okay, फ्रेंड्स अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से एस सच ज्यादा क्वेश्चंस कुछ नहीं बनते थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होना चाहिए बस इतना आप लोगों को पता है तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लोगे ओके अब सबसे पहले देख लो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट फोर पे आता है ठीक है पार्ट फोर पे आता है और आता है आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन पे क्लियर पार्ट फोर आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बोलता है अच्छा पार्ट फोर ए आर्टिकल फिफ्टी वन फंडामेंटल ड्यूटीज पे ये बात पता होना चाहिए दोनों पार्ट्स तो पता ही होने चाहिए ओके अब आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होता क्या है ठीक है क्या है इसकी डेफिनेशन सी देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है ये है डायरेक्शन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट फॉर देलफेयर ऑफ पीपल समझे क्या हुआ देखो फंडामेंटल राइट क्या थे फंडामेंटल राइट्स आर द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल आदमी को भारत के संविधान ने जो अधिकार दिए थे उसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स बोला था समझ गए ना अब जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है ना ये कोई राइट right नहीं है ये क्या है डायरेक्शन है डायरेक्शन की हाँ, आपने ऐसा करना चाहिए ठीक है इट्स द डायरेक्शन गिवन बाय कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल मतलब आदमी के विकास के लिए वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन दिया उसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं ठीक है किस पर्पस के लिए दिया अब यह पता होना चाहिए फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स किस लिए थे फंडामेंटल राइट्स थे फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझ रहे हो ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट right थे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दिए गए बस इतना बता होना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए कि क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होते हैं आप लोगों के फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट आर द राइट गिवन टू द इंडिविजुअल बाय द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर द डायरेक्शन गिवन बाय कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू दी स्टेट फॉर देलफेयर ऑफ पीपल समझ गए यह दोनों पर डिफरेंस है ओके जो आप लोगों के सी जो आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट मिले हुए है ना वो क्या है जस्टिस एबल है मतलब उसके अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स के मतलब को रोकने की कोशिश करता है ना या उसके विरोध पे जाता है तो आप उसके अगेंस्ट पे कोर्ट पे जा सकते हो बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन है ठीक है ना ये डायरेक्शन है तो ये क्या है नॉन जस्टिसबल है ठीक है नॉन जस्टिसबल है ये बात याद रखना अच्छा अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल थर्टी से फिफ्टी तक है बट क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है तो नोट करके लिखो पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई ना क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ऑफ फंडामेंटल राइट्स है क्या डिफरेंस है ठीक है और पार्ट फोर पे आता है आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लगते हैं देखो उस पर आप लोगों को आर्टिकल फोर्टी फोर पता होना चाहिए ठीक है आर्टिकल फोर्टी फोर पता होना चाहिए आर्टिकल फोर्टी फोर है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल फोर्टी फोर किसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है यह पता होना चाहिए बस ये पूछ लिया जाता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल पे आता है बार बार सौ बार पूछ लिया होगा क्वेश्चन ठीक है एक सौ एक बार भी पूछ सकता है आपके आपके एग्जाम पे ठीक है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है देखो एक तो आप लोगों की क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है ठीक है कि किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसके लिए तो रूल सेम है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो क्रिश्चियन हो पारसी हो मुस्लिम हो कोई भी जात का हो अगर किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसके लिए क्रिमिनल केस चलेगा और क्रिमिनल केस सबके लिए सेम है बट सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये बताता है जैसे आप लोगों का देखो मैरिज का देखो शादी का ठीक है क्रिश्चियन के अलग रूल्स है सिख के अलग रूल है हिंदू के अलग रूल है मुस्लिम के अलग रूल है सबके अलग अलग रूल है डाइवोर्स को लेकर सबके अलग अलग रूल्स है इनहेरिटेंस को लेकर सब सबके अलग अलग रूल्स है तो है तो सब इंडिया के अंदर है तो सारे लोग इंडिया के अंदर बट रिलीजन के हिसाब से सबके अलग अलग रूल्स है समझ रहे हो ना तो पूरे इंडिया के अंदर एक सिविल कोड लगाना एक सिविल कोड लगाना इज यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब रिलीजन के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा कि शादी के लिए कौन सा रूल चलेगा या डाइवोर्स के कौन से रूल चलेंगे एक एक रूल होगा जो पूरे इंडिया पे लागू होगा दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ गए क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बस इतना ही पता होना चाहिए ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे है तो वरना एक घंटे का चैप्टर हो जाएगा अकेला ही समझ में आ गया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मोटा मोटा मतलब पता होना चाहिए ओके अब देखो बहुत दो इंटरेस्टिंग बहुत ही फैक्ट बोले गए हैं डीपीएसपी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में क्या बोला गया देखो एक ने क्या बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक समझ रहे हो ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है एक चेक की तरह है जो बैंक के कन्वीनियंस के हिसाब से पे किया जाएगा समझिए ना तो इट्स वैसे ही जैसे ये डायरेक्शन है ना क्योंकि ये कोई वो तो नहीं है ना कि आपको करना ही है ये तो एक डायरेक्शन दिया गया है समझ रहे ना तो ये बात बोली थी प्रोफेसर के टी शाह ने सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है प्रोफेसर के टी शाह ने बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक क्लियर ओके और और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नोवल फीचर्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन नोवल फीचर्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन ये बात बोली थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ठीक है ये दोनों को आप लोग याद रखना और आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है मोटा मोटा मैंने बता दिया आर्टिकल 44 के अंदर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होती है इसके डेफिनेशन बता दिया कौन से पार्ट में आता है क्या आता है नॉन जस्टिसिबल है क्यों है क्या है सब बता दिया काफी है इतना ठीक है चलो आगे चलते हैं क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं हम लोग ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बट यही आते हैं यार फालतू की चीजें पूछी भी नहीं जाती ठीक है Okay, so, अब आ जाओ आप फंडामेंटल ड्यूटीज पे ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल पे है फिफ्टी वन ए पे है और पार्ट फोर ए पे है ठीक है फिफ्टी वन ए पार्ट फोर ए ठीक है तो फोर्टी सेकेंड कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जो आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज था ना ये हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं था इस बात को ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं था ऑप्शन दिया होगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था ठीक है ना तो जो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स पे इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्यों क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो गया था इस पर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है मिनिस्टिट्यूशन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसके चेयरमैन जिस जो कमेटी के चेयरमैन थे स्वरण सिंह कमेटी बैठी थी इसके लिए स्वरण सिंह यह नाम भी इंपॉर्टेंट है यह भी बता होना चाहिए ठीक है तो नाइनटीन पे फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था स्वरण सिंह कमिटी ने यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सबमिट किया था इसके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड किया गया था इतनी बात क्लियर ओके okay. ये कॉन्सेप्ट अब लिया कहां से था अब यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट कहां से लिए गए ये लिए गए सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर जिसे हम रशिया कहते हैं ठीक है ना ये कहां से लिए गए सोवियत सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर रशिया जो है आप लोगों का ठीक है ना एक सेकेंड एक मेरे हाथ जाते ही, हाँ ठीक है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर रशिया अब यहां पर आप लोगों को क्या बात पता होनी चाहिए देखो यहां पर आप लोगों को टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों के ग्यारह बट इनिशियली जब फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो उस टाइम पे दस ही थे और एक ग्यारहवा बाद में ऐड हुआ तो ग्यारवा कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया और ग्यारहवा कौन सा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बट आप लोगों को दस के दस पता होने चाहिए एटलीस्ट आप लोगों के नोट्स पे तो होने चाहिए कि जब आप एक बार रिविजन करते हो ना तो एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग पढ़ लो ना और क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज तो आप लोग वहां पर कर पाओ ठीक है पहला मैंने शॉर्ट पे लिख दिया है आप लोगों के लिए देखो पहला है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम ठीक है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना पहला ठीक है ओके अब आ जाओ दूसरे में फॉलो आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जैसे नॉन वायलेंस देशभक्ति जितने भी नोवल आइडियाज थे ना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम के उन्हें फॉलो करना ये दूसरा बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोटेक्ट सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया क्लियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भैया फोर्थ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन ठीक है भाई ठीक है, है जब आपकी जरूरत पड़े तो आप भाग ना जाओ ठीक है ना आपने नेशनल सर्विसेज देनी है स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ठीक है ना ब्रदरहुड स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ओके सिंपल सिंपल से चल रहे हैं अभी तक कुछ ऐसा नहीं है ओके okay. देखो प्रिजर्व हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर ठीक है ना हेरिटेज को प्रिजर्व करना और कंपोजिट कल्चर को भी प्रिजर्व करना प्रिजर्व नेचुरल एनवायरमेंट ठीक है ना फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा इनको प्रिजर्व करना डिस्ट्रॉय नहीं करना टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट ठीक है ना टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट अब टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ सी क्या होता है ना क्या बोलते हैं उसे किसी भी बात पर ऐसे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर लेना क्या बोलते हैं यार हिंदी का एक वर्ड ही क्लिक नहीं हो रहा हाँ। जो अंधविश्वास अंधविश्वास बोलते हैं ना तो अंधविश्वास नहीं करना है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है ठीक है सेफ पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करना है और स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस ठीक है एक्सीलेंस के लिए क्या करना है स्ट्राइव मतलब हमेशा तत्पर रहना है कि आगे बढ़ना है अच्छा काम करना है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस ठीक है ये तो दस थे आप लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज पे अब फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक और बात बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड क्यों किया गया भाई गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास फंडामेंटल राइट हम लोगों ने दे रखे हैं ठीक है तो आप लोगों की कुछ ड्यूटी भी तो बनती है उस ड्यूटी को डाला गया कहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज पे कि फंडामेंटल राइट के साथ आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती है ठीक है ना खाली राइट राइट नहीं इंडिया में सब हर किसी को राइट चाहिए बट अपनी ड्यूटी कोई नहीं फॉलो करना चाहता ऐसी बात नहीं है आप लोगों को राइट मिले हुए हैं तो आप लोगों के पास सर्टेन ड्यूटीज भी है उन ड्यूटीज को भी आप लोगों ने फॉलो करना है वो ड्यूटीज कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज है क्लियर ओके आगे चलो फटाफट ठीक है ना द, दस मिनट पर एक लेक्चर खत्म हो जाता है पॉलिटिक है सारे खत्म हो जाएंगे ठीक है पूरा जी के फटरा फट, फट हो जाएगा ओके अब देखो इलेवेंथ जो एडिशन हुआ इस पे दस तो पहले ही से थे ग्यारहवा जो एड हुआ जो कि एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू से एड हुआ अब ये पूछ लेते हैं कि भैया जो ग्यारहवा फंडामेंटल ड्यूटीज थी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी आपको पता होना चाहिए एट्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट से एड हुई थी अब इसमें क्या बोला गया इसमें ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड दियर चिल्ड्रन इन दी एज ग्रुप सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स टू स्कूल छह से चौदह साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है यह उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है बस ठीक है तो इतना ही है आप लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्लियर हो गया और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्लियर हो गया जो कि आप लोगों के एग्जाम्स पे अगर क्वेश्चन आए तो यहीं से पूछे जाएंगे वन डे एग्जाम्स पे बट जो हाई एग्जाम्स है लाइक आईएएस एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव वहां पर इनसे बहुत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं ठीक है बट आप लोगों के लिए इतना पता होना सफिशियंट रहेगा फ्रेंड्स अच्छा एक और रिक्वेस्ट यहां पे करूंगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस ये देख रहे हैं बट टेस्ट पे अपियर नहीं हुए हैं ठीक है रिसेंटली मैंने एक टेस्ट बनाया था डे वन से डे थ्री तक के लिए कि डे वन से डे थ्री पे जितना पढ़ाया था उसका एक टेस्ट था तो टेस्ट पे आप लोगों ने पक्का से अपीयर होना है अगर आप लोग, को ने, आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक आप लोग अपीयर नहीं हुए हैं तो पक्का से उस टेस्ट पे अपियर होके नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर मुझे पक्का से बताइएगा फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए टेलीग्राम पे कीजिए ट्विटर पे कीजिए फेसबुक पे कीजिए सारे सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का से दबा दीजिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू